मारवाड़ी मीडिया देख रहे हैं, चलिए नजर डालते हैं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में अब कोरोना की तीसरी लहर साफ हो चुकी है, संक्रमण अपने खतरनाक रूप में है। एक ही दिन में मरीज दोगुने हो चुके हैं। एक दिन पहले जहां 131 नए मरीज मिले थे, वहीं बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के 11 जिलों में 252 नए कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में नई गाइडलाइन भी जारी की है, लेकिन नए मरीजों की संख्या देखते हुए कहा जा सकता है कि सरकारी निर्णय में काफी देरी हो चुकी है। अब राजस्थान में एक्टिव केस इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं कि संक्रमण को तेजी से फैलने का यह कारण बन सकते हैं। अभी प्रदेश में एक्टिव केसों का आंकड़ा बढ़कर 773 हो चुका है। अकेले राजधानी जयपुर में 521 एक्टिव केस है। जोधपुर, बीकानेर और अजमेर में भी एक्टिव केस चिंताजनक संख्या में है। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी अपडेट, अब जोधपुर में भी बुधवार को कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आ चुका है। ऐसे में नए साल के जश्न पर जो सरकार ने छूट दी है, वह आने वाले दिनों में घातक हो सकती है। एक और बड़ी अपडेट और देश की सबसे बड़ी खबर, देश में कोरोना संक्रमण की वजह से सबसे ज्यादा हालात चिंताजनक महाराष्ट्र के हैं। वहां 5368 नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की वजह से महाराष्ट्र में 22 मौतें भी दर्ज की गई है। वहां लॉकडाउन जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए काफी अच्छी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 273 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें 197 पदों पर मोटर वाहन उप निरीक्षक और 76 पदों पर APRO की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए अभ्यर्थी 31 दिसंबर यानी कि आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसके बाद फरवरी में लिखित परीक्षा होगी और इसी परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाला 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक हो सकता है। 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी आपके पास डिप्लोमा है तो आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट पर नजर डाले उससे पहले, प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में नए साल का आगाज शीत लहर और बारिश के साथ होगा। शुरुआती के 2 दिनों तक भयंकर शीत लहर का जोर रहेगा और उसके बाद 3 दिन तक बारिश होगी। उधर साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को यानी कि आज अति शीत लहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो नए साल में एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के कुछ इलाकों में असर दिखाएगा, जिसके चलते 6 और 8 जनवरी तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश की एक और बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर, राजस्थान की गहलोत सरकार ने बेरोजगारों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश को 20,000 नए शिक्षक मिलेंगे। 14 और 15 मई को रीट परीक्षा होगी। 20,000 पदों के लिए यह परीक्षा होगी। CMR पर हुई बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। कुछ से पद बढ़ाने को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत ने संकेत देते हुए कहा था कि पद नहीं बढ़ाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट, प्रदेश को 20,000 नए शिक्षक मिलेंगे। 14 और 15 मई 2022 को रीट परीक्षा होगी। दरअसल प्रदेश के बेरोजगार लगातार गहलोत सरकार से नाराज थे और चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में बेरोजगारों को मनाने के लिए कहीं न कहीं गहलोत सरकार ने यह कदम उठाया है। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में नए साल पर 3 जनवरी से कोविड वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। हम लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि वह खुद अपने हिसाब से आकर अनुशासन की पालना करे और कोरोना के दोनों डोज ले ले, वरना 3 तारीख के बाद सरकार को सख्ती करनी पड़ सकती है। CM गहलोत ने जनता से सावधानी बरतने की भी अपील की है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे राजस्थान समेत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। धन्यवाद।